तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन्हें डायरेक्टर बनाया गया है और किस प्रोसेस के तहत यह चयन किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल होंगे CBI के नए डायरेक्टर। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, उन्हें मंगलवार देर शाम उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। उनकी नियुक्ति अगले 2 साल के लिए होगी। सोमवार को CBI के नए डायरेक्टर के चयन के लिए PM की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की बैठक हुई थी। दोस्तों, 1985 बैच के IPS ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए बॉस होंगे। सुबोध कुमार जायसवाल पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक DGP पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा CISF के महानिदेशक है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक के चयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। इस समिति में PM मोदी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना भी शामिल थे और इन्हें केंद्र की तरफ से देर शाम को ही मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि प्रेजेंट में जो सिलेक्शन हुआ था वो किस प्रोसेस के जरिए हुआ। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में 1984 से लेके 1987 के बीच वाले बैच में कौन कौन से नाम इसमें आते हैं, इसमें यह देखा गया। और इसमें कुल टोटल 109 ऑफिसर के नाम शामिल थे। इसमें से टॉप 10 ऑफिसर के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और जो ये 10 नाम लिखे गए थे, ये DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो ये डिपार्टमेंट है, इन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आते हैं। और जो ये 10 नाम सेलेक्ट किए गए थे हाई पावर कम्युनिटी के लिए, फिर DOPT ने हाई पावर कम्युनिटी को 10 में से 6 ऑफिसर के नाम शॉर्टलिस्ट करके दिए। और इन 6 ऑफिसर में से जो 2 बड़े नाम बाहर आ रहे थे और लग रहा था कि इनमें से ही किसी को CBI का पद दिया जाएगा, जिनमें से एक नाम था राकेश अस्थाना और दूसरा बाईसी मोदी। लेकिन इनमें बाईसी मोदी इसी महीने रिटायरमेंट होने वाले हैं और राकेश अस्थाना का समयकाल भी एक ही महीने का और बचा है रिटायरमेंट के पहले का, इसलिए इन दोनों नामों को लिस्ट से हटा दिया गया। क्योंकि जो जिस रूल के तहत ये सब कुछ चल रहा था, उस रूल के मुताबिक किसी भी ऑफिसर का अगर कार्यकाल 6 महीने या इससे कम बचा है तो उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इन दो नामों को हटा दिया गया। जितने भी 109 ऑफिसर के नाम लाए गए थे, उनमें से 3 लोगों का कार्यकाल ही 6 महीने से ज्यादा का बचा हुआ था। खाली 3 लोगों का ही ऐसा कार्यकाल था जो 109 की लिस्ट में, जिनका 6 महीने से ज्यादा समयकाल बचा हुआ था। तो नॉर्मल सी बात है कि इनमें से ही किसी एक को छांटा जाना फिक्स था। तो फाइनली 3 नामों में से जायसवाल ही सीनियर मोस्ट पोस्ट पर थे, जिनको रो में रिसर्च करने आदि का अच्छा एक्सपीरियंस था। तब फाइनल जाकर सुबोध कुमार जायसवाल CBI का नया बॉस बना दिया गया और अगले 2 साल तक इस कार्यकाल पर वो बने रहेंगे। और दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो हाई लेवल केसों से रिलेटेड है, जैसे कि तेल की स्कैम हुआ था स्टाम्प पेपर वाला, उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका रोल निभाए थे। उसके अलावा 26/11 मुंबई वाला अटैक हुआ था, उनमें भी इनकी अहम भूमिका रही थी। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए ये पद इन्हें दे दिया गया। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, जल्दी जल्दी मतलब 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचना है अपन को। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में।